वेलकम टू द बैक न्यू वीडियो। कैसे हैं दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने कुक फूड चैनल में। मैं आपका सैफ हुसैन। आज हम बनाने वाले हैं कलकत्ता का फेमस बिरयानी। दोस्तों ये कलकत्ता का इतना ज़्यादा फेमस है कि अगर आपने ये बिरयानी को नहीं खाया तो समझ लो कि आपने कोई भी बिरयानी नहीं खाया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। ये बिरयानी का रेसिपी आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, बट आपको होटल वाले रेसिपी नहीं मिलने वाले हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप अपने घर में कैसे कलकत्ता का फेमस बिरयानी को आप बना के अपने घर में आराम से दोस्तों खा सकते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। वीडियो थोड़ा सा लंबा है बट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं चिकन दम बिरयानी, वो भी कलकत्ता का फेमस बिरयानी में से। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए चावल को भिगाना बहुत ही जरूरी है। आप आधा घंटा पहले ही चावल को भिगा लेना है। उसके बाद आपको गरम मसाला बनाना है दोस्तों बिरयानी के लिए, कलकत्ता बिरयानी के लिए यही गरम मसाला आपको जरूरत पड़ेगा, जो कि दालचीनी है और जावित्री है और लौंग है और बड़ी इलायची है और इधर जायफल है और ये छोटी इलायची है और ये वाइट पेपर है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका रेसिपी दे दूंगा, गरम मसाला बनाने का 200 ग्राम गरम मसाला बनाने का रेसिपी मैं आपको दे दूंगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, दूध में केसर डाल के दोस्तों सबसे पहले दूध को उबाल लेना है। दूध एकदम कलकत्ता बिरयानी में दूध डालना बहुत ही जरूरी होता है, पूरे के पूरे दूध से ही बनता है। तो वीडियो को स्किप मत करना जरा भी दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आज कलकत्ता का फेमस बिरयानी बनाने के लिए। इस वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद इसमें हम आलू बॉईल कर लेंगे दोस्तों। मैंने थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा चिल्ली पाउडर डाल के इसको मैंने बॉईल किया है। आप देख सकते हैं मेरा आलू बॉईल हो चुका है, मैं इसको अब स्टैंड कर लूँगा। करने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट करेंगे। चिकन मैरिनेट करने के लिए मैंने चिकन का साइज इस तरीके से रखा है दोस्तों। हम लोग होटल में इस तरीके से चिकन को कट करके इसी तरीके से हम लोग बिरयानी बनाते हैं। ये आज हम होटल में बनाने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही इजी रेसिपी है दोस्तों, आप लास्ट तक देखना। उसके बाद सबसे पहले मैरिनेट करने के लिए हम इसमें नमक डालेंगे, नमक डालें और फिर डालेंगे इसमें हम रेड चिल्ली पाउडर। इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कलर यूज़ करेंगे दोस्तों, येलो कलर यूज़ करेंगे। येलो कलर से थोड़ा सा हमारा चिकन में एकदम कलर आएगा दोस्तों। इसमें हम हल्दी अब चिकन में यूज़ करने वाले नहीं हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखना दोस्तों। फिर इसमें हम बिरयानी गरम मसाला डालें, जो हमने गरम मसाला बनाए थे पाउडर गरम मसाला। उसके बाद हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसमें हम डालेंगे दही, दही भी इसमें चाहिए दोस्तों। उसके बाद इसमें हम दही डालेंगे और चिकन को अच्छे से मैरिनेशन कर लेंगे और उसको चिकन को छोड़ देंगे मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के लिए। तो अभी हम इसमें दही डाल दिए हैं और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद दोस्तों 10 से 15 मिनट के लिए इसको आपको छोड़ देना है, ताकि इसका जो मसाला जो भी हमने डाले हैं वो अच्छे से इसके अंदर अच्छे से मैरिनेट हो जाए। इसमें अब थोड़ा सा हम डालेंगे गुलाब पानी डालेंगे दोस्तों, और इसमें केवड़ा पानी डालेंगे, जो कि बहुत ही फ्लेवर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, नहीं तो नहीं। अगर आप फ्लेवर खाते हैं तो दोस्तों आप डाल सकते हैं। केवड़ा और गुलाब डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने केवड़ा गुलाब पानी डाल दिया है, उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, हम इसे अब 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर इसे हम फ्राई करेंगे। तो 10 से 15 मिनट हो चुका है दोस्तों, जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखे थे, अब इसको हम फ्राई भी कर लेंगे दोस्तों। तो हम एक कढ़ाई ले लिए हैं और इसमें तेल डाल दिए हैं। उसके बाद तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और फिर डाल देंगे इसमें हम स्लाइस किए हुए प्याज। प्याज डालने के बाद दोस्तों इसे अच्छी तरीके से थोड़ा सा ब्राउन करेंगे और फिर इसमें हम चिकन ऐड करके चिकन को भी अच्छे से पका लेंगे। तो ब्राउन हमारा प्याज हो चुका है, अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। अब चिकन को हम अच्छे तरीके से मिक्स करके अच्छे से इसे हम पका लेंगे दोस्तों। आपको ज़्यादा एकदम मीडियम फ्लेम में ही, आपको हाई फ्लेम नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम में आपको इसको पकाना है। और दोस्तों एक बात ध्यान में रहे कि चिकन आपको पूरा 100% आपको कुक नहीं करना है, मैक्सिमम आपको 60 से 70% ही चिकन को पकाना है, क्योंकि हम इसको जब दम लगाएंगे तो वो पूरा 100% पक जाएगा। तो आपको ध्यान रहे कि आपको 60 से 70% ही चिकन पकाना है। तो अब हमने इधर चिकन स्टॉक डाला है दोस्तों, जो हम लोग
चिकन जो बॉयल करते हैं उसका स्टॉक हम बना के रखते हैं होटल में। आप चाहे तो आप नॉर्मल पानी इसमें डाल सकते हैं चिकन में। डालने के बाद दोस्तों चिकन को उबालना है, इसी पानी में उबालना है। उसके बाद आपको चिकन थोड़ा सा जब 70% जब पक जाएगा तब आपको चिकन को सिर्फ निकाल लेना है और इसका जो रस जो जूस होता है दोस्तों इसी तरीके से आपको छोड़ देना है। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो अब हम इसमें थोड़ा सा मीठा अतर ऐड करेंगे दोस्तों। फ्लेवर के लिए मीठा अतर बहुत ज़रूरी होता है। कलकत्ता बिरयानी अगर आप खाए होंगे तो इसका फ्लेवर आपको पता ही होगा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे रोज़ वाटर डालेंगे और केवड़ा वाटर भी डाल देंगे। हल्का हल्का रोज़ वाटर और केवड़ा वाटर डालने के बाद दोस्तों चिकन हम 70% कुक हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। आपको एकदम चिकन को सेपरेट कर लेना है और इसका जो ग्रेवी जो नीचे बचा हुआ है उसको आप सेपरेट रखना है। और आप तो चिकन हमने दोस्तों निकाल लिया है। अब जो बचे हुए ग्रेवी को अब हम डालेंगे जो हमने केसर वाले दूध जो हमने दूध में जो केसर डाल के जो हमने उबाल के रखे थे दोस्तों, अब इसमें हम दूध में ये वाला जो ग्रेवी बचा हुआ है इसमें हम डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं ये मेरा चिकन 70% कुक हो चुका है। मैं इसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल के थोड़ा देर के लिए रख देता हूँ। उसके बाद इसके लिए हम ग्रेवी रेडी करते हैं। जो हमारा चिकन का बचे हुए जो ग्रेवी था दोस्तों, वो ग्रेवी को हम क्या करेंगे, जो हमने केसर में जो दूध डाल के जो उबाले थे दोस्तों, अब इसको हम छान के ग्रेवी को दूध में डाल देंगे। तो आपको इसी तरीके से दोस्तों छान लेना है। कभी भी ये बिरयानी आप घर में बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। और ये कलकत्ता का बहुत ही फेमस बिरयानी है दोस्तों। कभी भी आप अपने घर में ये वाला रेसिपी जरूर ट्राई करना, बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हैं। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखो और आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद इसमें हम मसाला डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे मिर्ची पाउडर 2 से 3 चम्मच। मैंने यहाँ पे स्पाइसी के लिए मैंने मिर्ची पाउडर यूज़ किया है और हल्का सा मैंने इधर नमक यूज़ किया, क्योंकि मेरे मसाले में जो मैंने जो चिकन का ग्रेवी में मेरा नमक है इसीलिए। इसके बाद जो हमने पाउडर करके जो गर्म मसाला रखे थे बिरयानी मसाला, उसको हम इसमें डाल देंगे दोस्तों। उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ग्रेवी का जो ये जूस बनाना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। कलकत्ता बिरयानी में ये वाला बना के ही आपको दम लगाना है। मतलब इसमें यह है कि इसमें दही वगैरह, इसमें प्याज वगैरह ज़्यादा कुछ, टमाटर वगैरह ये हैदराबादी स्टाइल में बिल्कुल भी नहीं बनता है। इसका रेसिपी एकदम पूरा ही अलग है। उसके बाद इसमें हम लाइम जूस डाल देंगे दोस्तों। मैंने यहाँ पे 3 से 4 लेमन लिया है। उसके बाद हम इसे जूस निकाल के इसमें डाल देंगे। तो खट्टे के लिए, थोड़ा सा बिरयानी खट्टा होने के लिए हमने यहाँ पे लेमन जूस का इस्तेमाल किया है। 3 से 4 मैंने यहाँ पे लेमन जूस डाला है दोस्तों। उसके बाद ये हमारा ग्रेवी रेडी हो चुका है। उसके बाद इसको हम दम में लगाने वाले हैं दोस्तों। तो जूस हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने जो आलू जो बॉईल किए थे, सबसे पहले हम हंडी में डाल देंगे दोस्तों। जो बिरयानी का हंडी होता है, ये हमारा बिरयानी का हंडी बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है। आप कभी भी बिरयानी हंडी अगर आप कभी भी आप दम लगाइएगा तो हंडी जो है उसका एकदम मोटा ही होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले आलू डाला है और उसके ऊपर हमने जो हमने फ्राई करके जो चिकन रखे थे दोस्तों, वो हम चिकन को डाल दिए। अब जो हमने जो ये ग्रेवी जो रेडी किया है, एक ग्रेवी को डाल देंगे हम इसमें। तो आप देख सकते हैं मैंने जो ग्रेवी जो बना के रखा था, अब मैं चिकन को ऊपर डाल दिया है दोस्तों। अच्छे तरीके से पूरा चिकन में डाल देना है और थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा ही डालना है, नहीं तो चिकन में एकदम पानी अगर आपका नीचे सूख जाएगा तो बिरयानी आपका जल जाएगा। तो थोड़ा ज़्यादा करके डालना है। अब इसमें हम यूज़ करने वाले हैं खोआ। खोआ डालेंगे टेस्ट के लिए, जो कि कलकत्ता का फेमस बिरयानी में खोआ का बहुत ही डालना ज़रूरी होता है। तो हमने खोआ को अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसे चिकन को ऊपर में डाल देंगे। डालने के बाद इसके ऊपर से अब हम डालेंगे चावल। तो चावल हम जब भी बॉईल करेंगे, इसमें सबसे पहले हम नमक डाल देंगे और इलायची और लौंग, आप फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इसमें खड़ा गरम मसाला डाल देना है और थोड़ा से तेल डाल देना है। चावल हमने आधा घंटा 20 मिनट पहले ही हमने चावल भिगाया था। चावल हमारा अच्छी तरीके से भीग चुका है। अब इसे हम बॉईल कर लेते हैं।
ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, बट ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चावल हमको 70% से लेके 80% तक हमको चावल बॉईल करना है, उससे ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। उसके बाद हमारा चावल दम में जब भी लगाएंगे तो हमारा 100% कुक हो जाएगा। तो चावल हमारा 70 से 80% हो चुका है, अब इसे हम छन्नी के मदद से निकाल लेंगे और इसमें हम दम लगाएंगे। तो चावल हमने सब कुछ जो बॉईल करके डाल दिया है, अब इसमें हम डालने वाले हैं घी। घी हमको गरम करके ही डालना है दोस्तों। घी गरम करने से ये होगा कि घी का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा घी का फ्लेवर आएगा। तो घी हम अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे, फिर इसके ऊपर घी मारेंगे और इसे डायरेक्ट हम दम में लगाएंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे केसर वाले दूध, जो हमने बचा के केसर वाले दूध रखा था। अब इसके ऊपर केसर वाला दूध मार लेंगे थोड़ा सा। अगर आपका चावल अगर हार्ड है तो आप इसमें पानी मिक्स करके आपको मारना है। केसर वाला दूध मारने से दोस्तों आपका बिरयानी का टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा और चावल एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, खाने में बहुत ही बेहतरीन लगेगा। तो अब हम केसर वाला दूध डाल दिए, अब इसमें डालने वाले हैं ऊपर से घी डाल देंगे। घी अच्छी तरीके से डालने के बाद इसमें ढक्कन लगा के अच्छी तरीके से दम में लगा देंगे। ढक्कन आपको दोस्तों ध्यान रहे कि अगर आपके पास सिल्वर फॉइल है तो सिल्वर फॉइल आपको पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लेना है और फिर ढक्कन लगा देना है। मैं यहाँ पे कपड़े का यूज़ किया है, कपड़े लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ढक्कन उसके ऊपर लगा दिया। आपको सबसे पहले जब भी आप बिरयानी दम में लगाना है, सबसे पहले आपको फ्लेम एकदम 5 से 7 मिनट एकदम स्टीम आने तक आपको फ्लेम एकदम फास्ट रखना है। उसके बाद जब भी स्टीम अगर बिरयानी में आपका बिरयानी में स्टीम आ जाएगा तो आप उसे स्लो कर देना है। स्लो करके आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको दम में लगाना है दोस्तों। आपका बिरयानी एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा और बीच बीच में आपको चेक करते रहना है दोस्तों कि कहीं आपका बिरयानी जल तो नहीं रहा है। मेरा बिरयानी आप देख सकते हैं, मैं इसे सलिए के मदद से मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा बिरयानी अभी कितना कुक हुआ है और अच्छी तरीके से पानी अच्छी तरीके से सूखा या नहीं सूखा है, आपको एक बार बीच में चेक कर लेना है। तो फाइनली हमारा कलकत्ता का फेमस बिरयानी हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा बिरयानी हो चुका है। अब मैं इसे आपको अच्छी तरीके से डिश में डाल के दिखाता हूँ। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा कलकत्ता का दम बिरयानी एकदम हो चुका है दोस्तों, हमने बहुत अच्छी तरीके से दम लगाया है। आप इस वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप भी अपने घर में आराम से कलकत्ता का फेमस बिरयानी आप बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेट मिलता है दोस्तों। और प्लीज़ सपोर्ट करना दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूं और आप तक पहुंचाता हूं दोस्तों। तो अभी हम आपको डिश में निकाल के दिखा देते हैं कि हमारा बिरयानी फाइनली कितना अच्छा हुआ है, आपको हम दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, चिकन भी हमारा एकदम 100% कुक हो चुका है और एकदम मसालेदार राइस हुआ है दोस्तों। कभी भी आप अपने घर में ज़रूर इस बिरयानी को ट्राई करना, बहुत ही बेहतरीन होता है। आपने चिकन हैदराबादी दम बिरयानी बहुत सारे बिरयानी खाए होंगे, बट कभी भी इस बिरयानी ट्राई करना। मैंने इसका गरम मसाला जो है इसका भी बहुत जल्दी ही मैं इसका वीडियो लेकर आने वाला हूँ और इस बिरयानी में जो भी मैंने गरम मसाला यूज़ किया है आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आपको 200 ग्राम का मसाले का रेसिपी आपको मिल जाएगा। आप उसे गरम मसाला को बना के इस बिरयानी में आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमारे वीडियो को
अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली के साथ इस बिरयानी को शेयर करना, और कमेंट करके बताना दोस्तों कि ये वीडियो कैसा था।